give rise to saccule and cochlear duct by the dorsal portion. अब dorsal portion की तरफ आते हैं, ये वाला जो है इसमें आप देखो ये 3 सेमी सर्कुलर केलार बनेंगे. क्या बनेंगे? 3 सेमी सर्कुलर. यूट्रिकुलर पोर्शन भी रह जाएगा. दिस इज द यूट्रिकुलर पोर्शन एंड इट फॉर्म्स दी, पहले 3 थिकनिंग हुई, फिर ये 3 डिप्रेशन के बाद ये जो थिन पोर्शन है इट विल डिजॉल्व बाय द फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस एंड देन दी 3 सेमी सर्कुलर केनाल विल फॉर्म. तो डॉर्सल पोर्शन से क्या बनेगा? सेमी सर्कुलर केनाल, यूट्रिकल खुद थोड़ा सा और सेमी सर्कुलर केनाल एंड द एंडोलिम्फेटिक डक्ट. टुगेदर दीज एपिथेलियल स्ट्रक्चर फॉर्म द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ. ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये क्या कहलाएगा? मेम्ब्रेनस लेबरिंथ. और इसी शेप का ही बोनी लेबरिंथ होता है स्कल की, ईयर की उसके पार्ट में, वो जो बोन से बना हुआ होगा इसी शेप की बोन होती है. ठीक है, तो वेंट्रल से क्या बना, डॉर्सल से क्या बना, ये बहुत अहम है, ये आना चाहिए. ये डक्टस रूमेंस वाला जो मैंने आपको बताया ये वही चीज इसमें लिखी हुई है. ठीक है, The mesenchyme surrounding the cochlear duct soon differentiate into cartilage. The 10th week, in the 10th week, this cartilaginous shell undergo vacuolization and two perilymphatic spaces are formed. अब यहाँ पे आप देखो ये जो डॉट 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 ब्लैक नजर आ रहा है ये कार्टिलेज है इनिशियली. ठीक है, कार्टिलेजिनस शेल है. अब इस कार्टिलेजिनस शेल में देखो यहाँ पे स्पेसिस बनी है क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या पड़ी है, कॉक्लियर डक्ट पड़ी हुई है. क्या कॉक्लियर डक्ट? कॉक्लियर डक्ट के ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस है, मिडिल पे हमारे पास कॉक्लियर डक्ट खुद मौजूद है. तो हम इन स्पेसिस को नाम देते हैं स्केला वेस्टिबुलर, स्केला मीडिया एंड स्केला टेम्पेनी. तो कॉक्लियर डक्ट कौन से स्केला में मौजूद है? स्केला मीडिया में, ये बेसिकली. ठीक है, अभी कॉक्लियर डक्ट में आप देखो स्पेशल टाइप ऑफ द सेल अपीयर हो रहे हैं जिनके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं. तो ये कॉक्लियर डक्ट जो स्पेशल इसको जब कट करके देखते हैं कॉक्लियर डक्ट को तो अंदर इसका ऐसे इस पे, तो कॉक्लियर डक्ट के अंदर यहाँ पे आप देखो ये हेयर सेल है इसके, इसके ऊपर एक जेलेटिनस मटीरियल पड़ा हुआ है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. क्या है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ताकि ये जैसे हम हेड को इधर उधर मूव करते हैं तो ये इसमें बैलेंस को मेंटेन रखता है. तो ये लेटरल पोर्शन है, दिस इज मीडियल पोर्शन. मीडियल में यहाँ पे देखो इनका जितने भी हेयर सेल्स हैं इनके एग्जॉन मिलके क्या बना रहे हैं? स्पायरल, ये ऑडिटरी नर्व बना रहे हैं. उसके बाद उसके पास क्या है? स्पायरल गैंग्लियन. और लेटरल पार्ट में यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसमें जो कॉक्लियर डक्ट के सेल्स होते हैं इसमें स्पेशल वेसल्स आ जाती हैं जिसको स्ट्राया वेस्कुलरिस कहते हैं एंड दे सिक्रीट द एंडोलिम्फ. दे सिक्रीट द एंडोलिम्फ. और मजीद इसमें आप लेटरल में देखो यहाँ पे आपको स्पायरल लिगामेंट भी मिलेगा, लेटरल साइड पे मौजूद है. ठीक है, ये कार्टिलेज है, ये आस्ते आस्ते फिर ये बोन में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो स्केला वेस्टिबुला है इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्केला मीडिया बाय वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन. ये ग्रास में भी पड़ा है और ये बीसी में भी आता है. एंड स्केला मीडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्केला टेम्पनी बाय द बेजुलर मेम्ब्रेन. ये बीसी का, ठीक है, ये आता है. तो ये तकरीबन ये जो पीछे लिखा है ये सारा वही लिखा है. इसको पढ़ना, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि लंबा लेक्चर होगा तो वो फिर सेंड नहीं होगा. ठीक है, द सेंसरी सेल्स एंड द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन टुगेदर कंस्टिट्यूट द ऑर्गन ऑफ कॉर्टिया. ये आता है ऑस्पी में और बीसीक्यू में कि भी ऑर्गन ऑफ कॉर्टिया हम किसको कहते हैं. इसका फंक्शन क्या है? इम्पल्स रिसीव्ड बाय दिस ऑर्गन आर ट्रांसमिटेड टू द स्पायरल गैंग्लियन एंड देन टू द नर्वस सिस्टम बाय द ऑडिटरी फाइबर्स ऑफ द क्रैनियल नर्व 8 वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व. ये उसकी फर्दर लार्ज डायग्राम है कि वो सेल्स पहले किस से के थे, फिर किससे इनलार्ज हुए और यहाँ पे फिर दो टनल आ गए, इनर हेयर सेल एंड आउटर हेयर सेल. ये आउटर हेयर सेल है, ये इनर हेयर सेल है. हमारे एनाटमी में तो ये कि आउटर हेयर सेल में 2 लेयर हैं और इनर में 1 होता है, लेकिन फिजियोलॉजी में शायद थोड़ा चेंज है. ठीक है, तो ये स्पायरल टनल है बीच में और ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है जो इसकी इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखती है. तो ये स्ट्रक्चर है कॉक्लियर डक्ट का अगर देखा जाए, इस डक्ट का. ये सेमी सर्कुलर कैनाल को जब आप ये सर इलियास पढ़ाएंगे इसकी हिस्टोलॉजी, तो सेमी सर्कुलर केनाल में ये देखो 3 जगह पे डायलेटेशन है. डायलेटेशन में जो है वो इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा एम्पिलोरिस. इनके जब अंदर खोलो तो इनके अंदर भी हेयर सेल्स टाइप इस तरीके से सेल हैं, लेकिन इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन नहीं होती, वो होती है ओटोलिथ मेम्ब्रेन. ये ओटोलिथ मेम्ब्रेन, ये बीसी क्यों आता है. ओटोलिथ मेम्ब्रेन जो है इसमें लिथ मीन स्टोन, मीन इसमें कैल्शियम ज़्यादा होती है. ठीक,
ये इसके साथ ये उसमें आएगा किसमें, एस्ट्रोलॉजी में। तो ये मैं इसका फंक्शन क्या है सेल्स का, मेंटेन दी इक्विलिब्रियम। ये जो हम सामान उठा के सर एकदम ऊपर करते हैं क्या, तो ये मेम्ब्रेन जो है ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखती है। फिर कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज में हम देखते हैं कंजेनाइटल डेफनेस आता है, कंजेनाइटली मीन पैदाइशी है, तो उसकी वजह क्या, कॉज बाय एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ मेम्ब्रेनस एंड बोनी लिब्रेन, और बाय मेल फॉर्मेशन ऑफ आर्टरी आर्टिकल्स भी हो सकता है, ये ड्रम हो सकता है सही ना बनी हो, डेवलप ना हुई हो, या फिर एक्सट्रीम केसेस में टिम्पैनिक कैविटी या एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस वगैरह ये एब्सेंट हो। और वो कौन से वायरसेस हैं, मोस्ट फॉर्म ऑफ द कंजेनाइटल डेफनेस आर कॉज बाय द जेनेटिक फैक्टर्स, बट एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आल्सो इंटरफेयर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनल एंड द मिडिल ईयर। कौन से, रुबेला वायरस। रुबेला वायरस से क्या होगा, सेवेंथ और एट्थ वीक में जब होगा तो इसमें क्या होगा, डैमेज कर देगा ऑर्गन ऑफ कॉटाय को, तो फिर के ज़ाहिर हियरिंग नहीं होगी। इट ऑल्सो हैज बीन सजेस्टेड दैट द पोलियोमेलाइटिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, डायबिटीज एंड हाइपोथायरॉयडिज्म एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस कैन कॉज द कंजेनाइटल डेफनेस। ये बहुत अहम स्लाइड है, ठीक है। अब ये वो डायग्राम दिखाइए, माइक्रोटोनिया, क्योंकि अपेंडिजेस सारे ये आर्कुलर हिलक्स जो है वो फ्यूज नहीं होते। ये देखो ये दो रह गए तो स्मॉल साइज है, यहाँ पे भी रह गए, ये एक नेक की तरफ रह गया क्योंकि शिफ्ट होते हुए ये शिफ्ट नहीं हुआ, तो इस तरह इस कंडीशन को हम क्या कहें, माइक्रोटोनिया। ये फिर प्रॉब्लम है कि भाई ऑप्टिक प्लेकोड प्ले मेजर रोल इन फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनल ईयर, व्हाट इज द प्लेकोड एंड वेयर डज द ऑप्टिक प्लेकोड फॉर्म, मैंने बताया था रोम्बोसेफेलॉन के रीजन पे, व्हाट स्ट्रक्चर डज इट कंट्रीब्यूट टू द इंटरनल ईयर, इससे क्या इंटरनल ईयर जो मैंने अभी बताया कि वेंट्रल एंड डोर्सल पोर्शन है, वेंट्रल से क्या बनेगा सेक्यूल और कॉक्लियर डक्ट, और डोर्सल से क्या बनेगा यूट्रिकल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल वगैरह, ठीक है। तो ये जवाब लिखा भी हुआ कि ये व्हाट इज द एम्ब्रियोलॉजिक ओरिजिन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया तीन सोर्सेज से डेवलप होती है, ये भी आना चाहिए, तो ये ईयर की डेवलपमेंट में आपको आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।